मैं हूं अमीश देवगन। एक तरफ नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, एनडीए में जश्न मनाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ हार के बाद महागठबंधन में आर पार शुरू हो गया है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि गठबंधन की हार के पीछे राहुल गांधी जिम्मेदार है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस महागठबंधन के लिए एक बेड़ी बन चुकी है, यानी कांग्रेस के चलते हार हो रही है। इतना ही नहीं, शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव जोरों पर था और राहुल गांधी शिमला में प्रियंका जी के आवास पर पिकनिक मना रहे थे। हालांकि आरजेडी कह रही है कि यह पार्टी का ऑफिशियल बयान नहीं है, लेकिन इस बयान के बाद कांग्रेस आग बबूला हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि आरजेडी शिवानंद तिवारी पर लगाम लगाए, उसने उन्हें बाहर करे। बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो उन सीटों पर भी चुनाव लड़ा जहां गठबंधन के कोई भी पार्टी पिछले 30 साल से चुनाव जीती नहीं। यानी कहीं ना कहीं आरोप है कि कांग्रेस को मुश्किल सीटें दी गई। तो उधर कपिल सिब्बल अपनी पार्टी को आईना दिखाते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस को लोग अब विकल्प नहीं मानते, पार्टी नेतृत्व कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, कांग्रेस पर लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, क्या गठबंधन प्रभारी राहुल गांधी की पिकनिक, आज का आर पार इसी पर। अभी तो बिहार में हार पर महागठबंधन में कोई चर्चा भी नहीं हुई थी और राहुल गांधी पर अपने ही साथियों ने हमला कर दिया। जरा देखिए आरजेडी के शिवानंद तिवारी किस तरह पानी पी पी कर राहुल गांधी को कोस रहे हैं। कांग्रेस जो है महागठबंधन के पैर में जंजीर बन गई। राहुल गांधी 3 दिन के लिए आए, 1 दिन में 2 सभाएं उन्होंने की, प्रियंका जी का दर्शन नहीं हुआ। यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। इस तरह से पार्टी चलती है क्या? 3 दिन आप आए, 2-2 सभाएं आपने की, प्रधानमंत्री 3 और 4 सभा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आपसे उम्र में 10 वर्ष बड़े हैं, तो आप 3 सभा क्यों किए भाई? इस जोरदार हमले से कांग्रेस तिलमिला गई। शिवानंद तिवारी जी बोल रहे हैं या कोई और बोलेगा, इसकी कोई बहुत अहमियत नहीं है। केवल अपने मन में जो आया, जो इम्प्रेशन हुआ, उसके बारे में सार्वजनिक रूप से बोल देना, ये किसी भी तरह से ठीक नहीं। तेजस्वी यादव जी को ऐसे बर बोले और मानसिक रूप से दिवालिए नेता को बाहर करें जो उनकी ही जड़ों को खोल रहे। हालांकि आरजेडी ने साफ किया कि ये पार्टी का आधिकारिक विचार नहीं है, लेकिन बीजेपी को चुटकी लेने का मौका मिल गया। शिवानंद तिवारी जी आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, मुझे उन पर भी तरस आ रहा है, उन्हें इतना विलंब क्यों ये ध्यान में आया कि ये राहुल गांधी राजनीतिक टूरिज्म वाले व्यक्ति हैं। तो बराक ओबामा से तो अधिक जरूर जानते हैं ये, लेकिन विलंब कर दिया। लेकिन मुद्दा सिर्फ आरजेडी के शिवानंद तिवारी का नहीं है, खुद कांग्रेस के बड़े नेता कपिल सिब्बल कैसे अपनी ही पार्टी को आईना दिखा रहे हैं, जरा ये भी देख लीजिए। कांग्रेस को लोग अब विकल्प नहीं मानते, पार्टी नेतृत्व कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। उपचुनाव और बिहार चुनाव में करारी हार हुई, CWC में पार्टी की गिरावट पर बात होनी चाहिए, कांग्रेस पर लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है। सिब्बल ने सवाल उठाया तो कांग्रेस अपनी पार्टी के नेता की जगह उनकी वकील वाली पहचान बताने में जुट गई। कपिल सिब्बल जी बहुत सीनियर वकील हैं इस देश के, मैं समझता हूं कि उनको इस बात का अंदाजा नहीं है। नेशनल लीडरशिप कांग्रेस की पूरी तरह से बिहार के चुनाव को लेकर गंभीर है। मगर कपिल सिब्बल क्या, ये तो 5 दिन राहुल जी को देखने के बाद, मात्र 4-5 दिन देखने के बाद ओबामा जी को सत्य मालूम पड़ गया कि ये नर्वस एंड अनफॉर्म्ड लीडर हैं, इनसे ना हो पाएगा। बराक ओबामा ने हाल ही में अपनी किताब में राहुल गांधी के लिए कहा था, राहुल गांधी में एक ऐसे घबराए हुए और अपरिपक्व व्यक्ति के गुण हैं जैसे कि एक छात्र जिसने अपना पूरा पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और वो अपने शिक्षक को प्रभावित करने की चाहत रखता है, लेकिन उसमें विषय में महारत हासिल करने की योग्यता
या फिर जुनून की कमी है। बराक ओबामा राहुल गांधी के साथ पढ़े हैं क्या, या जिस स्कूल में राहुल गांधी पढ़े उस स्कूल में वो मास्टर थे? बराक ओबामा को ये कैसे पता चला कि राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, काबिल नहीं है, नर्वस छात्र हैं? बराक ओबामा को यह पता होना चाहिए कि राहुल गांधी कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ताओं के भगवान हैं। अपनी सीमा में रहे बराक ओबामा, या फिर खुल के कह दें कि वो भी मोदी जी के अंधे भक्त हो गए हैं। उधर बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के पंचायत चुनाव में गुपकार अलायंस के साथ हाथ मिलाने को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। इस अलायंस में एक पार्टी कह रही है कि हम चीन के साथ मिलकर के आर्टिकल 370 वापस लाएंगे। आज मैं एक बात यहां सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, इनको रिजेक्ट करते हैं या इनको सपोर्ट करते हैं? तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, गठबंधन पर भारी राहुल की पिकनिक। आज है तो एनडीए का शपथ ग्रहण, लेकिन आज सुबह सुबह जो दो घटनाएं हुई वो बहुत कुछ बताती हैं। लेकिन कांग्रेस पर अपनों के वार का विश्लेषण, यूपी चुनाव में गठबंधन का भारी खमियाजा समाजवादी पार्टी ने उठाया था, हार पर हार से कांग्रेस के सहयोगी दलों में बेचैनी बढ़ रही है, सपा ने भी उसके बाद कांग्रेस पार्टी से गठबंधन नहीं किया उस हार के बाद, कांग्रेस नेतृत्व पर कई कांग्रेसी नेता खुद सवाल उठा चुके हैं, ऐसा बार बार हर रेगुलर इंटरवल में देखने को मिल रहा है। इसको अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन ये अनअवॉइडेबल अब नहीं है। 23 नेताओं ने कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव के लिए लिखी थी चिट्ठी। हाल ही में बराक ओबामा ने राहुल को अपरिपक्व नेता कहा था। कांग्रेस में कड़े और बड़े फैसलों का वक्त आ गया है क्या, जिस तरह से बार बार इस पर डिस्कशन और डिबेट हो रही है और बार बार इस पर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए कई दिग्गज नेता हैं। मेरे साथ बीजेपी से बीजेपी के सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं। मेरे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और संघ के जानकार प्रोफेसर संगीत रागी हैं। मेरे साथ कांग्रेस की ओर से कांग्रेस की नेता प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत है, सांसद का चुनाव लड़ चुकी है। मेरे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता शक्ति यादव जी हैं। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम है, जो कि कई दशकों में से कांग्रेस के साथ है और उस विचारधारा का खुले तौर पर समर्थन करते हैं, और स्मिता प्रकाश एएनआई की एडिटर हैं। सबसे पहले इस डिस्कशन की शुरुआत स्मिता मैं आप ही से करता हूं। हर बारी चुनाव होता है, हर बार आर्टिकल और पीसेस लिखे जाते हैं, अगले दिन सुबह जो गठबंधन के सहयोगी होते हैं उनकी बाइट आती है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। इस बारी भी एग्जैक्टली यही हो रहा है, लेकिन फर्क यह है कि इस बार नेशनली नहीं इंटरनेशनली भी बराक ओबामा ने बहुत कुछ बोल दिया है। बराक ओबामा के कहने से कांग्रेस कोई कदम तो नहीं उठाएगी, और नतीजे आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप नतीजे जब कहते हैं आपका किस और इशारा है। देखिए आज सुबह से व्हाट वाज द कंट्रोवर्सी अबाउट, क्योंकि आरजेडी में रहकर कांग्रेस की बुराई कर दी किसी ने, तो क्या बुरा कर लिया? अगर गलतियां हुई हैं तो मंथन नहीं होगा क्या? सोच विचार करके गलतियों का एहसास तक नहीं होगा? इजहार तो छोड़िए, अगर कांग्रेस ने कुछ मेहनत मशक्कत की होती, कुछ सीटें ले ली होती, तो सरकार महागठबंधन की होती। नीतीश को हराने के लिए आरजेडी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, और वो रिजल्ट्स में दिखने को मिल रहा है कि आरजेडी ने तो कसर नहीं छोड़ी। खामियां कहाँ पे थी? कांग्रेस की तरफ से थी। उम्मीद से कम रिजल्ट्स निकली है कांग्रेस की, और कांग्रेस अभी तक ये समझ नहीं पाई है कि उम्मीद से सीटें नहीं आती, राहुल गांधी के नाम जपने से सीटें नहीं आती। उनके सारे स्पोक्स पर्सन सभी चैनल में जा रहे हैं और राहुल गांधी को डिफेंड करने के लिए उतर आए हैं, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है, नॉट इवन कपिल सिब्बल, ये कहने की कि हार हुई है तो तेरे कारण मेरे साजन, कह दे राहुल गांधी को। जी मेरे साथ सुप्रिया भी है, लेकिन उससे पहले मैं आरजेडी का रुख कर दूंगा। सुप्रिया और आचार्य जी और डॉक्टर त्रिवेदी और प्रोफेसर रागी, मैं आपके पास बाद में आऊंगा। शक्ति यादव, आखिरकार जो शिवानंद तिवारी ने बोला और जो चुनावी पंडितों का विश्लेषण भी है, उसमें एक चीज मैच होती है बिल्कुल कैटेगोरिकल, वो ये है कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत कम था, करीब करीब 27% था, और साथ ही साथ
अगर चुनाव चरम पर था तो राहुल गांधी जो थे वो बिहार के चुनाव में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे उतनी जितनी उनको दिखानी चाहिए थी। वो पिकनिक पे गए थे, वो पिकनिक पे नहीं गए थे, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। व्हाट इज योर टेक शक्ति यादव? देखिए अमित जी एक बात स्पष्ट तौर पर कहता हूँ, जो बातें चूक हुई है उसके तो आत्ममंथन होंगे कहाँ पे चूक हुई है, और इन चीज़ों को लगभग जितने भी राजनीतिक को समझते हैं राजनीति को या राजनीतिकार हैं इन बातों को गंभीरता से देख रहे हैं। सवाल है स्ट्राइक रेट 27 है या स्ट्राइक रेट 50 है, वो हमारे लिए विषय जरूर महत्वपूर्ण है, लेकिन इतना जरूर है कि हम साथ लड़े हैं और सभी सीटों पर साथ लड़े हैं। शिवानंद तिवारी जी ने जो बयान दिया उनके व्यक्तिगत बयान है, वो कोई हमारे पार्टी का ऑफिशियल बयान नहीं है। उस बयान को पार्टी का बयान से दरकिनार करके हमने कहा कि वो व्यक्तिगत उन्हें राय दी है। इतनी बात स्पष्ट तौर पर जरूर कहना चाहूँगा कि जो बातें कपिल सिब्बल जी ने कहा क्या नहीं कहा, लेकिन हाँ जो बातें हम हारे हैं, कहाँ हारे हैं, किन कारणों से हारे हैं, किस तरह का चयन हुआ है कैंडिडेट का, ये आत्मचिंतन का विषय है। हम आगे भी देखेंगे क्या हो सकता है, उसमें क्या सुधार कर सकते हैं। लेकिन शक्ति यादव आप यहाँ पे ये बात करें, लेकिन बिहार कांग्रेस ने बोला कि सबसे खराब सीटें तो हमें दे दी, और उसके बाद हम ही से पूछ रहे हैं कि आप हार कैसे गए। सबसे खराब सीटें जहां चुनाव लड़ने से सब भाग रहे थे, माले आप वो सीटें आपने कांग्रेस को दे दी जो 30 साल से आपने जितने आंकड़ा दिया क्या कांग्रेस की तरफ से, बिहार इकाई की तरफ से, वो कहते हैं आंकड़ा दे रहे हैं आपको 30 सीटें जो कोई ये जिंदगी में नहीं जीते, वो सीटें हमें थिपा दी, और अब हमारी बेइज्जती कर रहे हैं बुला बुलाकर। बाहर करिए शिवानंद तिवारी को, कांग्रेस ने बोला है तुरंत बाहर करिए शिवानंद तिवारी को। हमने कोई सवाल कांग्रेस पार्टी पे नहीं उठाया ऑफिशियली, ना हमारे नेता ने, ना मैं प्रवक्ता के हिस्से से जो पार्टी का ऑफिशियल बयान है, एज ए प्रवक्ता हम लोगों ने कोई बातें नहीं कही। लेकिन जहां तक बात है, हम आत्मचिंतन करेंगे, मंथन भी करेंगे, लेकिन बराक ओबामा जी ने राहुल गांधी जी के संदर्भ में जो बातें कही थी, याद करनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी को भी कि नस्ल के नाम पर, रंग के नाम पर, भेद के नाम पर करवाई है। शक्ति सिंह गोयल शिवानंद तिवारी ने सुबह जो बोला उसका पलटवार कांग्रेस कर रही है पूरे ढंग से, क्योंकि सवाल राहुल गांधी पे खड़ा खड़ा है। और आचार्य प्रमोद कृष्णम तो कह चुके हैं राहुल गांधी कांग्रेस के भगवान है। ओके, मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम आपके पास आता हूं। अब आचार्य जी आपके पास आता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आपका बयान मैं पिछले 2 दिनों से जो पूरे सोशल मीडिया पर छाया हुआ है उसको मैं पढ़ रहा था, और उसका मैंने वीडियो क्लिप भी देखा। आपने बोला कि सीमा में नहीं, यानी सीमा में रहे बराक ओबामा, राहुल गांधी कांग्रेस के भगवान है, और बराक ओबामा भी कह दे कि वो मोदी भक्त है, कोई आईना दिखाएगा कपिल सिब्बल मोदी भक्त है, मैं जानना चाह रहा हूं। शिवानंद तिवारी मोदी भक्त है, मैं जानना चाह रहा हूं। अमीश देवगन, मैं जवाब दूं? जी, मैंने कौन सी बात गलत कही है जरा एक बात बताइए। नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। कौन सी बात गलत कही है? क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल यह है कि सीमा में नहीं बराक ओबामा, और बराक ओबामा भी मोदी भक्त हैं, आपने ये 3 दिन पहले बोला। क्या कपिल सिब्बल मोदी भक्त है? क्या शिवानंद तिवारी मोदी भक्त है? देखिए, पहली बात, शिवानंद तिवारी जी के बयान से आरजेडी ने बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया है। दूसरी बात यह है, शिवानंद तिवारी ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग प्रियंका गांधी जी के लिए किया कि वो शिमला में पिकनिक कर रही थी, तो प्रियंका गांधी पिछले 1 महीने से शिमला ही नहीं गई हैं। लेकिन हम शिवानंद तिवारी के बयान पर सफाई देने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। तीसरी बात, मैंने कहा शिवानंद तिवारी अपनी सीमाओं में रहें, तो मैं बिल्कुल अभी भी कह रहा हूँ। आपने ओबामा के लिए भी बोला सीमा में रहें, शिवानंद तिवारी के लिए नहीं, बराक ओबामा के लिए आपने बोला वो सीमा में रहे। तो बराक ओबामा कोई ब्रह्मा है, भगवान है? बराक ओबामा क्या परमात्मा है? सीमा में रहे, अपनी हैसियत में रहे बराक ओबामा। राहुल गांधी भगवान है, बिल्कुल है, कांग्रेस के भगवान है, मैं आज भी कह रहा हूं। क्या बीजेपी के भगवान मोदी नहीं है? हर हर मोदी, घर घर मोदी नारा किसने लगाया था? अगर नरेंद्र मोदी बीजेपी के भगवान हो सकते हैं, पूछिएगा, सुधांशु त्रिवेदी जी बैठे हैं, सांसद महोदय बैठे हैं, विद्वान प्रवक्ता हैं, पूछिए इनसे कि हर हर मोदी किसने लगाया था। अगर मोदी बीजेपी के भगवान हो सकते हैं, तो राहुल गांधी कांग्रेस के भगवान क्यों नहीं हो सकते?
बिल्कुल राहुल गांधी कांग्रेस के भगवान है, करोड़ों कार्यकर्ताओं के भगवान है। आप और तो बताइए, आप तो ओबामा की चोट पे कह रहा हूं, आप तो ओबामा को ऐसे अड़का रहे थे जैसे एफआईआर करा देंगे कि सीमा में रहे, अगर अगली बार बोला तो एफआईआर हो जाएगी। ओबामा की हैसियत क्या राहुल गांधी के सामने, मैं अभी भी कह रहा हूँ ओबामा के भारत के नागरिक है। ओबामा की आपके सामने कोई हैसियत क्या हो? नहीं नहीं, मेरे सामने तो हैसियत है, मेरे सामने तो हैसियत है, लेकिन देश की राजनीति के अंदर हम ओबामा की क्यों सुनेंगे? हम ना नमस्ते ट्रंप करेंगे? हमारा अपना देश है भारत का, अगर कोई नागरिक सवाल उठाता है तो हम उस पर जवाब देंगे, उस पर जवाब देंगे। शिवानंद तिवारी ने बात की, हमने उसका जवाब दिया। कपिल सिब्बल जी ने जो बातें उठाई है, कपिल सिब्बल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उनकी बातों पर चिंतन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कपिल सिब्बल का भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, ना कपिल सिब्बल मोदी भक्त है, लेकिन ओबामा की जो भाषा है वो नरेंद्र मोदी जी के भक्तों की तरह उनकी भाषा है। मैं इसलिए मैंने कहा, ठीक है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी जी को भगवान क्यों कहती है बीजेपी की जनता। चर्चा को बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं बनाना चाहता हूं, इसलिए मैं पहले बाकी वक्ताओं को ले रहा हूं और फिर मैं बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं का रुख करूंगा। संगीत रागी, प्रोफेसर रागी, ओबामा की कोई हैसियत नहीं है, कपिल सिब्बल ने कह दिया लेकिन उसकी बात, उनकी बात को नहीं माना जाएगा। ये जो जीत हुई है एनडीए की, उसमें ईवीएम का हाथ है, ये तो उसी दिन उदित राज भी कह रहे थे और बाकी भी नेता कह रहे थे कांग्रेस के। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि रियलिटी कुछ और है और शीशे में कुछ और देखना चाहते हैं? देखिए अमीश जी, कांग्रेस पार्टी आत्मचिंतन करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस के पास आज के दिन में न विचार है, न संगठन है और न ही नेता है। विचार इसलिए नहीं है क्योंकि वह विचार के मामले में चीन, पाकिस्तान, आतंकवादियों, रेडिकल इस्लामिस्ट सेपरेटिस्टों का, कश्मीरी सेपरेटिस्टों के साथ खड़ी हो जाती है। सीएए का मुद्दा जब देश का मुद्दा होता है तो वहां पर भी उन ताकतों के साथ खड़ी हो जाती है। मैं इसलिए ताक कर रहा हूं कि विचार आज कांग्रेस के साथ नहीं है। दूसरी बात, संगठन के मामला में जो पार्टी आज तक पिछले 1.5 साल से यह स्ट्रगल कर रही हो कि अध्यक्ष कौन बनेगा, नहीं बनेगा, और ले देकर के पूरी फैमिली एक परिवार तक सिमट जाती है, वो विचार की लेकिन कांग्रेस का ये तर्क है। मैंने कई बार कांग्रेस पार्टी नेताओं से ऑन रिकॉर्ड भी पूछा और ऑफ रिकॉर्ड भी पूछा, दोनों तरफ यही बोलते हैं कि दिस फैमिली, ये परिवार जो है वो कांग्रेस को एकजुट रखता है, इसीलिए ये परिवार है और उस परिवार के बिना कांग्रेस नहीं चल सकती। देखिए, ये उनका एक तर्क है, देखिए जो तार्किक भी हो जाता है। देखिए, यू मे क्रिटिसाइज इट अमीश जी, दिस इज देयर पॉइंट। देखिए अमीश जी, जब भवन जर्जर हो जाता है ना, तो कई बार आप दीवारों से चिपक जाते हैं, गिरने भी लगता है दीवारें तब भी आप उससे चिपक जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार धीरे धीरे कांग्रेस को रसातल की तरफ ले जा रही है। कांग्रेस पहले नेशनल पार्टी थी, रीजनल पार्टी बनी, अब मुझे नहीं पता है कि उस परिभाषा में कौन सी परिभाषा आएगी कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 2% भी बाई इलेक्शन में उसको वोट नहीं आते हैं। गुजरात में 8 सीटों पर वो चुनाव बाई पोल में लड़ती है और 3 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो जाती है। मैं इसीलिए कहता हूं कि संगठन, संगठन, नेता और विचार, मैं उसीलिए बने उत्तर प्रदेश की ही बात करता हूं। रही बात सोनिया, ये प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, तो मुझे लगता है कि प्रमोद कृष्णन जी मन से बात नहीं कर रहे हैं। प्रमोद कृष्णन जी का मन जो है वो प्रियंका गांधी जी के लिए होता है, वो बेशक कांग्रेस पार्टी के एक एक डिसिप्लिन साधु की तरह बेशक कह दें कि वो करोड़ों के भगवान हैं और राहुल गांधी की तुलना ओबामा जी से करना करना नहीं चाहिए। वो अपने मन की बात बोल लेंगे, लेकिन अब मुझे कांग्रेस और बीजेपी का, मैंने प्रोफेसर रागी आपको सुना, आप मुझे कांग्रेस और बीजेपी का रुख करना पड़ेगा। सबसे पहले सुप्रिया, क्योंकि आज शपथ ग्रहण हुआ है एनडीए का और कांग्रेस और आरजेडी ने खासतौर पर बायकॉट करा, क्या आपको लगता नहीं है लोकतांत्रिक परंपरा ये होती है कि सरकार किसी की भी बने बधाई तो दी जाती है, इस कर्तव्य का तो निर्वाह किया जाता है, चुनाव कोई भी जीत। कांग्रेस पर शो है और मैं ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन होकर फिफ्थ स्पीकर हूं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मैं इस सवाल का जवाब दूंगी। लेकिन वो जवाब देने से पहले मैं ये जरूर बोलूंगी कि बिहार में डोंट लूज साइट, महागठबंधन और एनडीए के फाइनल टैली में 12,000 वोट का अंतर था, तो कोई ऐसी डिसाइसिव विक्ट्री नहीं है। दूसरा,
करीब करीब 10 सीटें ऐसी थी जिस पर लोगों ने प्रश्न उठाए, जहां पर डीएम ने, रिटर्निंग ऑफिसर ने उनको कंग्रेचुलेशंस बोलकर विक्ट्री सर्टिफिकेट नहीं दिया और उसमें लोकल स्तर पे फेयरनेस का अनुमान, ऐसा लगता है कि अनुमानित फेयरनेस नहीं दिखाई गई। क्यों वहां नहीं गया गया, ये हमारी पार्टी का निर्णय है, ये राजद का निर्णय है और इसके इस निर्णय के साथ मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। आपने बहुत कोशिश करी शक्ति यादव जी को उकसाने की, लेकिन ये भी सच है कि जो बयान आया था शिवानंद तिवारी का, उस पर राजद का ऑफिशियल डिक्लाइन आ चुका है कि ये हमारा बयान नहीं है, हमने सिनर्जी और कोऑर्डिनेशन से चुनाव लड़ा। और ये भी सच है, आप जो बार बार उकसाने की कोशिश कर रहे थे 30 सीटों का, ये हमारा आपसी समझौता था कि उसमें से कुछ सीटें ऐसी मैं क्यों उकसाऊंगा, मैं तो रिपोर्ट कर रहा था। सुप्रिया जी, आप तो खुद जर्नलिस्ट रही है, आप खुद रिपोर्टिंग कर चुकी हैं, मैं क्यों उकसाऊंगा, मैं तो रिपोर्ट कर रहा हूं जो बोला जा रहा है। शक्ति सिंह गोयल ने जो बोला मैंने रिपोर्ट करा, जो जो आरजेडी ने ऑफिशियली बोला मैंने रिपोर्ट करा, जो शिवानंद तिवारी ने बोला मैंने रिपोर्ट करा, जो कपिल सिब्बल ने बोला मैंने रिपोर्ट करा। मैंने तो आपसे एनडीए पर सवाल पूछा, एनडीए की सरकार बनी है तो बधाई देने तो जाना चाहिए था। अब आपने रिपोर्ट कर लिया तो मैं जवाब दूं? हाँ बिल्कुल जवाब दे दीजिए, आप बताइए। अब आप बता दीजिए, कपिल सिब्बल भी मोदी भक्त है क्या, जैसे बराक ओबामा को मोदी भक्त बना दिया गया? मैं उसी का जवाब दे रही हूँ। 30 सीटें हमारी आपसी समझौते की थी, टफ सीट थी, यहाँ पर एनडीए स्ट्रॉन्ग होल्ड था, यहाँ पर राजद या कांग्रेस आज तक नहीं जीती थी, यह हमारा लेकिन आपसी समझौता था, वी स्टैंड बाय दैट समझौता। आप कपिल सिब्बल जी की बात कर रहे हैं, कपिल सिब्बल जी ने ये पत्र में भी लिखा था और अभी भी उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए हैं। सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी जो कांग्रेस पार्टी की है, वो ऑलरेडी एआईसीसी अधिवेशन की तैयारी कर रही है जहां पर इसका फैसला हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के हर शीर्ष नेता को आज ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करने में सारे एफर्ट्स करने चाहिए। बराक ओबामा जी की यहाँ पे बात हो रही है, उसका मैं जरूर जवाब दूंगी और इसलिए जवाब दूंगी क्योंकि मैंने आप सब लोगों की तरह चार चार पांच पांच वर्ड का नहीं पढ़ा है, मैंने एडवांस कॉपी ऑलमोस्ट पूरी पढ़ ली और ये चैप्टर तो तीन चार बार पढ़ लिया है जो इंडिया पे पेज 600 से 603 लेकर, और उसमें उन्होंने राहुल गांधी को उनकी किताब के 600 पन्नों पे तो डिस्कशन सुप्रिया जी यहाँ पे नहीं हो सकता, उनके किताब के 600 पन्नों पे तो डिस्कशन नहीं, 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 नहीं हो सकता। ऑपरेटिव पार्ट बताइए, ऑपरेटिव पार्ट बताइए कुछ बोला क्या? ना ना बिल्कुल मैं आपको मौका दे रहा हूँ, ऑपरेटिव पार्ट बताइए, क्या बराक ओबामा ने राहुल गांधी के बारे में जो संदर्भ लिखा है क्या उसमें कुछ बदलाव है, हाँ या ना? वही तो मैं बोल रही हूँ, बोलने नहीं दे रहे हो आप, बोलने तो बोलने दे रहे हो आप, इतने 2.5 मिनट से बोल रही मैडम। एंड अर्नेस्ट भी बोला है, आप बोल चुके हो तो मैं बोलूं। अमित जी, मैं इस तरह की ऐसा डिस्कशन नहीं करना चाहती हूँ। नहीं नहीं, आप बोलिए, अपनी बात को रखिए, आपकी बात को कौन रोक रहा है? एंकर बनिए, मैं एंकर ही बन रहा हूँ मैडम, और मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, एंकर कैसे बनना है, एंकर की क्लास उससे लेनी है। आप अपनी पार्टी की बात रखिए ना मैडम, आप सिखाने लगती है कि एंकर कैसे बनना है, एंकर कैसे नहीं बनना, अपनी बात रखिए मैडम। आप बीच में तोते जैसे बोलने क्यों लगते हैं? ना ना, देखिए ये देखिए, मुझे तोता बोलने से, मुझे गाली देने से, अगर आपकी पार्टी की 2 सीटें बनती हो तो 2 गाली और दे दीजिए, अगर बढ़ रही हो तो कर दीजिए, यही सब आप लोग करते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, यही लोग आप तो पिछले 6 साल से यही कर रहे हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता मैडम, देश की जनता सब देखती है। आप एक एंकर को तोता बुलाएंगी, आप बोलेंगे एक एंकर तोता, आप खुद एंकर रहिए। अगर आपको कोई नेता ऐसा बोलेगा कि आप तोता है तो आपको कैसा लगता? इसलिए मुझे लगता है ऐसे शब्द नहीं बोलने सकते, नहीं बोलने नहीं चाहिए। आपकी पत्रकारिता में जमीन आसमान का अंतर है, मेरी और आपकी पत्रकारिता में जमीन आसमान का अंतर, बिल्कुल बहुत फर्क है, बहुत फर्क है मैडम। मैं उसकी डिटेल में नहीं आना चाहता, किसकी पत्रकारिता कैसी, और मैं पत्रकारिता का सर्टिफिकेट देने वाला कोई नहीं होता, लेकिन मुझे एक नेता से भी सर्टिफिकेट नहीं लेने की जरूरत कि मैं कैसा पत्रकार हूं। अगर मैं नेताओं से सर्टिफिकेट लूंगा तो कोई नेता अच्छा पत्रकार नहीं मानता, छोड़िए आप उसको, बात बोल लो, तुम बोल लो, अपनी भड़ास निकाल लो, फिर मैं आगे। मैं अपनी भड़ास निकाल रहा, भड़ास तो आप निकाल रही हैं, आप तोता कह रही हैं, आप बोल रही हैं कि मेरी पत्रकारिता अलग है, आपकी अलग है। अब आप पत्रकार नहीं ना, अब आप नेता हैं मैडम, आप चुनाव लड़ चुकी हैं, अपनी बात को रखिए, अपनी पार्टी की बात को रखिए। आप बोल चुके तो मैं बोलूंगा। अब अमीश जी, मैम मेरा तो शो है, मैं तो 1 घंटा बोलूंगा, आप अपनी बात को रखिए, आपके बाद 40 सेकंड है अभी। बराक ओबामा ने राहुल गांधी को स्मार्ट और अर्नेस्ट भी कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि आज के हिंदुस्तान में रिलीजियस पैशन को फैन किया जा रहा है, डिविजनरी नेशनलिज्म हो रहा है, उस पर भाजपा बिल्कुल चुप है, उस पर मीडिया सवाल नहीं पूछेगा, वो किसकी बात कर रहे हैं? क्यों राहुल गांधी के स्मार्ट और अर्नेस्ट की बात नहीं करी जा रही है? क्योंकि अर्नेस्टनेस एक ऐसी क्वालिटी है जो और किसी पॉलिटिशियन में है ही नहीं आज हिंदुस्तान में,
और भाजपा में तो बिल्कुल नहीं है, उसकी कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? क्यों एक ही पैसेज की बात करी जा रही है? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्यों कोट किया जा रहा है? अरे एडवांस कॉपी इतना पढ़ने का और रिपोर्टिंग करने का और उस पर शौक है शो करने का तो पूरा पढ़वा के सबसे कराइए। क्यों नहीं स्मार्ट एंड अर्नेस्ट पे बोला जा रहा है? क्यों नहीं डिविजनरी नेशनलिज्म की बात करी जा रही है जो ओबामा ने उठाई है? बराक ओबामा एक सम्मानित सदस्य है इस विश्व के और उन्होंने एक ओपिनियन रखी, हम उस ओपिनियन का स्वागत करते हैं। हम उस ओपिनियन ओके सुधांशु त्रिवेदी का वेलकम ठीक है आपके 40 सेकंड कंप्लीट हो गए मैडम। सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु सुधांशु मेरा सीधा सवाल है आपसे, क्या भारतीय जनता पार्टी, देखिए बराक ओबामा विषय नहीं है लेकिन क्योंकि वो विषय बीच में आया है मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप लोग सिलेक्टिव है? दूसरा पॉइंट जो कपिल सिब्बल ने कहा कांग्रेस को, उसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा मिल रहा है क्योंकि आपके प्रवक्ता ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी? एक देखिए कांग्रेस के अंदर यह तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है, आज से नहीं विगत करीब करीब 60 सालों से 1967 ऑनवर्ड्स जब जब ये चुनाव हारते हैं सत्ता से बाहर होते हैं इनके अंदर एक टकराव होता है क्योंकि कांग्रेस मूलतः एक राजनैतिक दल है, विशुद्ध राजनैतिक दल है जो केवल सत्ता केंद्रित है और हम लोग जो है विचारधारा आधारित राजनीतिक दल है तो दोनों में एक फंडामेंटल डिफरेंस है, इसलिए जब जब सत्ता जाती है उनके लिए समस्या आती है। जहां तक बराक ओबामा की बात है तो मैं तो विनम्रता से कहना चाहूंगा अभी आचार्य जी ने यह कहा कि बराक ओबामा अपनी हैसियत में रहे, सुप्रिया जी ने उनके चार अच्छे वाक्य भी गिना दिए। मैं तो यह भी याद दिलाना चाहता हूं 2015 जनवरी में जब बराक ओबामा भारत में थे, दिल्ली का चुनाव होने वाला था जिसमें हम बुरी तरह हारे, दिल्ली के 2-3 अंग्रेजी मीडियम स्कूल जो कि चर्चों के अंदर थे उनकी कुछ खिड़कियां टूटी थी, एक भी व्यक्ति की मृत्यु तो छोड़िए मरहम पट्टी तक नहीं हुई थी, अब बराक ओबामा का बयान आ गया था। और आप मजेदार बात देखिए सारे के सारे हमले दिल्ली चुनाव के बाद समाप्त हो गए थे, बराक ओबामा का बयान आ गया था तो कांग्रेस वाले छाती ठोक ठोक कर देखो बराक ओबामा ने बोला, बराक ओबामा ने बोला ठीक है तब। और उससे पहले जो मोदी जी की तारीफ कर गए उससे मतलब नहीं है ये वाला बोला। अब मैं अंत में एक और बात कह देना चाहता हूं, अभी हमारे आचार्य जी ने कहा कि राहुल गांधी भगवान है कांग्रेस के लिए, मैं इनकी बात से सहमत हूं। आचार्य जी आप कल की पीठाधीश्वर है ना, तो कल की का यदि पूरा अवतरण किसी एक नेता में दिखाई पड़ता है कांग्रेस के लिए तो वो राहुल गांधी जी में दिखाई पड़ता है, साक्षात कल उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी बोला आपको जी, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का भी जिक्र किया। हाँ मैं प्रधानमंत्री तो प्रधान सेवक है और वह युवराज है, दोनों की कोई तुलना ही नहीं है। ठीक है शुक्रिया। प्रधानमंत्री के भाषण में कभी नरेंद्र मोदी जिंदा नहीं लगता, भारत माता की जय और वंदे मातरम। ठीक 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 है ठीक है शुक्रिया। 40 सेकंड रिबटल देन आचार्य प्रमोद कृष्ण शुक्रिया। श्योर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता है हमें अपने राजनीतिक झगड़ों में ओबामा जी को नहीं घसीटना चाहिए क्योंकि ये वही ओबामा जी हैं जिन्होंने अपने 8 साल के कार्यकाल में 6 साल तक मोदी जी को वीजा ही नहीं दिया था, तो ये सब करना ठीक नहीं रहेगा। और किसी ने यहाँ पर हिम्मत की कुछ बात करी थी, तो किसकी हिम्मत है आज से पूछ लेने की कि भाजपा की जो चिराग पासवान की रणनीति थी वो कैसे फेल हो गई, किसको उसका खामियाजा नीतीश जी को भुगतना पड़ा? कोई पूछे नीतीश कुमार जी से कि गुप्तेश्वर और सुशांत सिंह राजपूत की रणनीति जी कैसे फेल हो गई, एक मरहूम के ऊपर आप अपनी सारी राजनीति चला रहे थे भाजपा और ये मिलकर, तो हिम्मत विम्मत की बात मत करिए, मुद्दों की बात करनी चाहिए। और मुद्दों की बात इस देश में बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कपिल सिब्बल पर निशाना साधा है, ट्वीट करा है कुछ देर पहले, कुछ सेकंड पहले मैं बोलूंगा, कुछ सेकंड पहले ट्वीट करा है कपिल सिब्बल पर बोले अशोक गहलोत, ट्वीट करके अशोक गहलोत ने कहा है कुछ सेकंड पहले ये ट्वीट आया है, आंतरिक मुद्दा मीडिया में उठाया जाना बेहद गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है, पार्टी वर्कर्स की भावनाओं को ठेस लगी है इससे, कपिल सिब्बल पर बड़ा और कड़ा वार किया अशोक गहलोत ने। इसके अलावा भी 2 ट्वीट करे हैं सीरीज के अंदर अशोक गहलोत ने और बहुत कुछ लिखा है उन ट्वीट्स के अंदर। अगर मैं अंग्रेजी में बोलूं तो देर वॉज नो नीड फॉर मिस्टर कपिल सिब्बल टू मैंशन आर इंटरनल इश्यूज इन द मीडिया, दिस हैज हर्ट सेंटीमेंट्स ऑफ द पार्टी वर्कर्स अक्रॉस द कंट्री। उसके अलावा जो सेकेंड ट्वीट है उसमें अशोक गहलोत लिख रहे हैं कांग्रेस हैज सीन वेरियस क्राइसिस इंक्लूडिंग 1969, 77, 89 एंड लेटर 1996, बट एवरी टाइम वी हैव कम आउट स्ट्रॉन्गर ड्यू टू आर आइडियोलॉजी प्रोग्राम पॉलिसीज एंड द फर्म बिलीव इन पार्टी लीडरशिप। यानी अशोक गहलोत एक्सेप्ट करते हैं ये क्राइसिस का टाइम है लेकिन सार्वजनिक होना गलत है, पब्लिक में आना गलत है। ओके योर फर्स्ट रिएक्शन स्मिता प्रकाश टू दिस। स्मिता प्रकाश ये तो अब क्योंकि पहले तो अंदर खाने था ऐसा कुछ नहीं है लेकिन अशोक गहलोत का बकायदा ट्वीट है और ये करीब करीब 7:00 जब हमारी डिबेट थी तभी ट्वीट आया है, 7:17 का ये ट्वीट है।
स्मिता जी, देखिए जो गहलोत साहब कह रहे हैं कि पास्ट क्राइसिस हो चुकी है कांग्रेस की, ऑफ कोर्स हो चुकी है, लेकिन 12 साल की कौन सी क्राइसिस है कि ये बाहर रह चुके हैं और इलेक्शन पर इलेक्शन हार रहे हैं? क्या ये क्राइसिस नहीं है? क्या ये ऐसा क्राइसिस नहीं है जहां पर सबको मिलके बैठकर दे हैव टू डिस्कस इट? और जो कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है डिस्कस करने के लिए, देखिए जो जब भी आप किसी कांग्रेस प्रवक्ता से आप बात करेंगे तो वो नाराज हो जाते हैं, और या तो वो एंकर पर या जर्नलिस्ट पर या किसी दूसरे पार्टी के प्रवक्ताओं पर नाराज हो जाए, अलग बात है, लेकिन आप और हम जैसे जर्नलिस्ट पर भी नाराज हो जाते हैं कि आपका क्या बनता है हमसे सवाल पूछने का, कि हम लोग आंतरिक रूप से जो खामियां हैं हम पूरी करेंगे, आप कौन होते पूछने वाले, कांग्रेस में जो दिक्कतें हैं हम पूरा कर लेंगे अपने आप, इट्स एन इंटरनल मैटर, आपका कोई हक नहीं बनता। अरे नागरिक होने के नाते हमारा हक बनता है, यह पार्टी जो है देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, नेशनल पार्टी है, हम सबका हिस्सा है इसमें, सिर्फ आपका नहीं है कि आप प्रवक्ता हैं तो सिर्फ आपकी पार्टी है, नो मैम, हम सबकी है, कांग्रेस जो पार्टी है उसमें हम सब इन्वॉल्व है, व्हाई? बिकॉज इट वाज अ पार्टी ऑफ द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, इसलिए सभी जो है इस मुल्क में वो समझते हैं कि कांग्रेस में उनका कुछ हक है, इसलिए जब कांग्रेस पार्टी इतनी बुरी तरह हारती है तो हाँ बीजेपी वाले खुशी मनाएंगे या फिर कोई और खुशी मनाएगा, लेकिन बहुत से लोग हैं डेमोक्रेसी में जो कहते हैं कि कांग्रेस का ये हाल नहीं होना चाहिए, एक स्ट्रांग ऑपोजिशन का रोल होना चाहिए, एक इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और अगर राहुल गांधी या गांधी परिवार जो है उनकी वजह से यू आर लूजिंग इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन, तो कुछ तो यू हैव टू हैव समवेयर वेयर यू पिन द ब्लेम, कोई तो आवाज उठाए, और अगर कपिल सिब्बल ने आवाज उठाई है उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं बोला है, वो मीडिया के पास जाएंगे, कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने बोला हां यस देयर इज अ इशू, ओके ओके, लेट सुप्रिया जवाब आचार्य प्रमोद कृष्ण भी जवाब देना चाहते हैं, सुप्रिया जवाब स्मिता की बात नहीं, आई एम एक्सट्रीमली टच्ड, मैं बहुत अभिभूत हूँ कि सबको हमारी भविष्य की इतनी चिंता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उस चिंता को आम कांग्रेस जन ज्यादा व्यक्त करे तो अच्छा रहेगा, और अगर मैं तो बार बार कह रही हूँ कपिल सिब्बल जी ने जो व्यक्त किया है उनके कुछ मुद्दे हैं, उस पर ऑलरेडी सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी काम कर रही है, मधुसूदन उसमें अध्यक्षता में वो सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी, और अशोक गहलोत जी ने बिल्कुल सही बात कही, उन्होंने क्या कहा है कि ये आपसी वो है और इसको पब्लिकली करने से हम मुद्दों से भटकते हैं। आज का मुद्दा क्या है अमीश जी, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, आज का मुद्दा है बेरोजगारी, आज का मुद्दा है बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, गिरती हुई, आज का मुद्दा है कोरोना के केसेस और उस महामारी के चलते जो इस तरह की व्याप्त ठीक है दिक्कतें हुई हैं हमारे देश में, हम उस पर बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एक ट्वीट पर, एक राहुल जी की बात कर रहे हैं, अरे आप मुद्दों की बात करिए ना, और ये तो देखिए कि मुद्दे कौन उठाता है, और मैं ये सीना ठोक के कहती हूँ कि मुद्दे कांग्रेस पार्टी को छोड़ के कोई नहीं उठाता है, और अगर मैं एक छोटी सी बात 10 सेकंड में कहूं, आचार्य पब्लिक के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे, चुनाव लड़ा नेता मान रहे हैं, वो मुद्दे आपको पब्लिक के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे, वो आप डिनायल मोड में है मैडम, वो मुद्दे आपको पब्लिक के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे, 27% स्ट्राइक रेट रहा है, यूपी के अंदर जमानत जब्त हो गई है, आप खुद बताइए, आप खुद हाथरस जा रही थी, हाथरस के मुद्दे को कैसे आप लोगों ने उठाया, लेकिन हाथरस की रियलिटी क्या निकली, वो जातीय दंगे कराने की एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला बन गई जो रिपोर्ट सामने आई। एक मिनट, ये आपको पता है ये फेक न्यूज है, इसको बार बार फेक न्यूज नहीं है, सच है, बातें मत करिए जातीय दंगों की, मैं सिर्फ चलिए आप उस पर वो विषय नहीं है, मैं लेकिन पब्लिक के साथ अमीश देवगन जी कि अगर मुद्दे अगर इलेक्टोरल सक्सेस नहीं मिलेगा तो क्या हम मुद्दे उठाने बंद कर दें? ठीक, ये कौन सी बात हो गई, इलेक्टोरल सक्सेस ना मिलने से हम मुद्दे उठाने थोड़े ही बंद कर देंगे, मुद्दे तो हम फिर भी उठाते रहेंगे, और सीनियर तो क्यों उठाएंगे मुद्दे, क्यों नहीं उठाएंगे? ठीक है, आपने अपनी बात को रख लिया, सुधांशु त्रिवेदी देवनाचार्य जी, सुधांशु त्रिवेदी देखिए, अभी सुप्रिया जी ने जो बात बोली, दो बातें तो उन्होंने स्वीकार कर ली, पहले विषय में जब उन्होंने कहा कि बड़ा नजदीकी मामला था बिहार में, तो उन्होंने ये तो मान लिया कि कोई लहर वहर नहीं थी, ये बेकार की बात थी, दूसरा अभी उन्होंने यह भी स्वीकार कर लिया कि अंदर कुछ ना कुछ था, पहले वो कह रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, अशोक गहलोत जी के बाद उन्होंने कहा अशोक गहलोत जी ने सही कहा, तो अंदर कुछ ना कुछ है, हम ये नहीं कह रहे हैं, मुद्दे तो आप उठाते हैं, परंतु राजनीति में महत्व इस बात का होता है कि कौन बोल रहा, उसकी विश्वसनीयता क्या है, राहुल गांधी जी ने 72,000 बोला मगर 6,000 वाले को चुना जनता ने, यहां 1,000,000 नौकरियां एक झटके में देने की बात कही परंतु नहीं बोला, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, मजेदार बात क्या है, राहुल गांधी जी अध्यक्ष पद छोड़ देते हैं इसके बावजूद सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं, ये समझ से परे है,
ये बताइए, दोनों सदनों में आपके नेता है अधीर रंजन चौधरी जी और गुलाम नबी आजाद साहब, उनकी यात्रा होती नहीं है बिहार चुनाव में। चलिए मान लिया वहां सोनिया जी का स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं होगा, मगर राहुल गांधी सबसे ज्यादा यात्रा करते हैं, सबसे ज्यादा ट्वीट राहुल गांधी देंगे, फिर कहेंगे मैं अध्यक्ष नहीं हूं, मैंने इस्तीफा दे दिया। ये जो विचित्रता है, ये जो इंटरेस्टिंग जनता को समझ में आता है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आचार्य संगीत रागी मैं आपके पास आऊंगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम, स्मिता प्रकाश ने कुछ ब्रॉडर बातों को रखा और जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जो तार्किक भी है, कुछ देर पहले अशोक गहलोत का भी ट्वीट आया। क्या आपको लगता नहीं है आचार्य प्रमोद कृष्णम कि कहीं ना कहीं चीजें गड़बड़ है, लेकिन उनको मानने से इंकार किया जा रहा था, लेकिन अब कम से कम उनको माना तो जा रहा है। अगर परफॉर्मेंस नहीं हुई है और अगर आपकी सहयोगी पार्टियां सवाल खड़ा कर रही हैं, आप मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी ने आपसे लोकसभा में आपके साथ गठबंधन किया? जवाब है नहीं। आपके साथ वो विधानसभा लड़के, उन्होंने देख लिया कि क्या हश्र होता है? और आप कह रहे हैं कि ओबामा सीमा में रहे? देखिए, पहली बात, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिएगा, मैं तीनों बातों का जवाब दे दूंगा। पहली बात, मैं अपनी बात पे कायम हूं, अगर ओबामा भारत के किसी गांव के प्रधान होते, भारत के नागरिक होते, वोटर होते, तो मैं उनकी बात को सीरियस लेता। मैं ओबामा को आज भी कह रहा हूं, उन्हें उनसे सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ओबामा ने 5 बारी मिलकर ही सर्टिफिकेट दे दिया ना, प्रॉब्लम ये नहीं है, उन्होंने 5 बारी मिलकर ही सर्टिफिकेट दे दिया जी। हमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन होगा, कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा, कांग्रेस का नेतृत्व क्या होगा, कैसे राजनीति चलेगी, हमें ओबामा से सीखने की जरूरत नहीं है, मैं उस पर कायम हूं। तीसरी तो बात, स्मिता प्रकाश जी का स्वागत करना चाहता हूं। बिल्कुल, कपिल सिब्बल हमारे घर के आदमी हैं, कपिल सिब्बल वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, कपिल सिब्बल ने जो मुद्दे उठाए उन पर चिंतन होना चाहिए, मैं भी कह रहा हूं, ऑन एयर कह रहा हूं, चिंतन होना चाहिए, और वो हमारी पार्टी का इंटरनल डेमोक्रेसी है कि हम लोग चिट्ठी लिखते हैं, 23 लोगों ने चिट्ठी लिखी, कांग्रेस नेतृत्व भी सवाल उठाए, कांग्रेस नेतृत्व ऐसा। अमित देवगन, मुझे बात तो पूरी करने दो, मैं आपकी सवाल का जवाब दे रहा हूं। ये बहुत गंभीर विषय है, और ये गंभीर नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है इस देश की राजनीति के लिए। मैं स्मिता प्रकाश का स्वागत करता हूं कि उन्होंने जो बातें उठाई हैं, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस की चिंता हमें है, बिल्कुल होनी चाहिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, कांग्रेस इस देश की आजादी को दिलाने में कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही है, कांग्रेस ने 70 साल में 60 साल लगभग देश को रूल किया है, कांग्रेस ने इस देश को आगे बढ़ाया। तो स्मिता प्रकाश जी, आपका स्वागत है, मैं बिल्कुल आपका विरोध नहीं करूंगा, लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जो रीजनल पार्टीज से समझौते किए, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी से किए, या बिहार में लालू जी की पार्टी से किए, या और किसी अन्य राजनीतिक दलों से समझौते रीजनल पार्टी के रूप में किए, ये कांग्रेस अगर कमजोर ना होती तो इनसे समझौते करने की जरूरत क्या थी? लेकिन इसकी समीक्षा होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी से समझौता करके हमें मिला क्या, लालू जी की पार्टी से समझौता करके हमें मिला क्या, इन पर चिंतन होगा। लेकिन बीजेपी के अंदर किसी की हैसियत है कि जो मोदी जी के फैसलों पर चिट्ठी लिख दे? कांग्रेस के अंदर यह हिम्मत है, 23 लोगों ने चिट्ठी लिखी, वो 23 के 23 कांग्रेस में हैं, और कांग्रेस पार्टी के अगले अध्यक्ष का जो चुनाव होगा, जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, अमित देवगन जी, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, राहुल गांधी जी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था, राहुल गांधी जी ने यह कहा था कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, राहुल जी ने यह भी कहा था मेरे परिवार का अध्यक्ष नहीं बनेगा, तो कांग्रेस पार्टी के अगले अध्यक्ष चुनने की जिम्मेदारी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की थी, जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने नहीं निभाई। कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी को इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं निभाया। लेकिन यह चिंतन का विषय है, कपिल सिब्बल की चिट्ठी पर भी चिंतन होगा, अशोक गहलोत जी के ट्वीट पर भी चिंतन होगा, यह हमारी पार्टी की इनर डेमोक्रेसी है, उसका सबूत है। क्या सुधांशु जी से मैं पूछ सकता हूं, जब मध्य प्रदेश का चुनाव बीजेपी हारी, राजस्थान का चुनाव हारी, छत्तीसगढ़ का हारी, पंजाब का हारी, तो क्या किसी ने हिम्मत की कि मोदी जी के नेतृत्व पे सवाल उठाए? नहीं की। ये बीजेपी की इनर डेमोक्रेसी नहीं दर्शाता, कांग्रेस पार्टी के अंदर इनर डेमोक्रेसी है। आपने बड़ी दिलचस्प बात बोली, आपने बोला ये गठबंधन क्यों हुए थे, समाजवादी पार्टी से कब गठबंधन हुआ था, ये मुझे बताने की जरूरत है इतिहास के अंदर। और जब समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ था, तब कांग्रेस ही कह रहे थे कि अगर ये गठबंधन हो गया तो हम समाप्त हो जाएंगे, लेकिन उस समय वो गठबंधन किया गया एक सरकार को बचाने के लिए। दिल्ली लेटेस्ट एग्जांपल है 2013 का, शीला दीक्षित कहती रही कि गठबंधन नहीं होना चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल को पहली बार सीएम आप ही ने बनाया, हुआ कि नहीं हुआ? ये 2013 की बात है, आप अभी की बात कर लीजिए, समाजवादी पार्टी के साथ आपने गठबंधन किया, समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनावों में आपको चिमटे से नहीं छुआ, आप गठबंधनों की बात करते हैं? ओके, देखिए, वो गठबंधन के गठबंधन के कई साक्षी हैं। 10 सेकंड दे दें, अभी आपको 10 सेकंड, क्योंकि सवाल मेरा है, 10 सेकंड दिए मैंने आपको, बहुत
ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया आपने। रीजनल पार्टी के अपने लक्ष्य होते हैं, अपने सिद्धांत होते हैं, अपना उनका काम करने का तरीका होता है। नेशनल पार्टी का अपना तरीका होता है। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो गठबंधन की राजनीति में रीजनल पार्टी को आगे किया, बिहार में आगे किया, ये कांग्रेस की चूक है, इस पर चिंतन होना चाहिए। रीजनल पार्टी को जब आगे बढ़ाया जाएगा तो राष्ट्रीय पार्टी की क्षति होगी। मैं आज कह रहा हूं, मैं इस शब्द से आपत्ति जताता हूं, आगे नहीं किया। लालू जी की पार्टी मैंने भी राजनीति को भाई सुनिए 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 आगे नहीं करा। नहीं नहीं रमेश, कारण देखिएगा अमीश अमीश अमीश, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री को स्वीकार करते हुए चुनाव लड़ने की बात हुई क्या मुख्य, और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कांग्रेस ने माना, तो कैसे आगे नहीं किया? अरविंद केजरीवाल जी को किसने आगे किया? कांग्रेस ने समर्थन दिया। पॉलिटिकल हैसियत नहीं रही ना आचार्य जी, अभी तो वो पॉलिटिकल हैसियत नहीं रही कांग्रेस। सुधांशु त्रिवेदी सुधांशु त्रिवेदी सुधांशु त्रिवेदी क्विक रिबटल, कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिकल हैसियत नहीं रही, ये बात कहना गलत है। सुधांशु, जब आपका बुरा वक्त आया था, जब आपकी पार्टी का बुरा वक्त आया था 2004 के अंदर, पार्टी अकेली चुनाव हारे थे, तब उमा भारती का एपिसोड आपने भी देखा था। देखिए मैं आचार्य जी की बात का बिंदुवार उत्तर देता हूं, एपिसोड हमने भी देखा था। अमीश जी, मैं आचार्य जी की बात का बिंदुवार उत्तर देता हूं। पहली बात, उनकी बात से मैं सहमत हूं कि ओबामा की बात को कोई गंभीरता से नहीं लेना चाहिए कांग्रेस के मामले में, तो भारत के मामले में लेना चाहिए क्या? नहीं तो कांग्रेस 2015 के अपने बयानों के लिए माफी मांग ले कि कांग्रेस के बारे में तो गंभीरता से नहीं लेना चाहिए पर भारत के बारे में गंभीरता से लेना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि चिट्ठी लिखने की हैसियत, मान्यवर चिट्ठी लिखने की जरूरत तब पड़ती है जब संवाद ही नहीं होता, जब बात नहीं की जाती, जब एक एक साल तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, जब कोई मिलने जाए तो दूसरे कुत्ते को बिस्कुट खिलाता हुआ दिखाई पड़े, तब चिट्ठी लिखने की जरूरत पड़ती है। हमारे यहाँ बाकायदा संवाद होता, 2018 के चुनाव आ रहे थे, अंदर बैठ के विवेचना हुई और उन सभी राज्यों में क्या शानदार प्रदर्शन रहा लोकसभा में हमने देखा। दूसरी बात, जो आपने क्षेत्रीय दलों की बात कही, मान्यवर एक बार गलती हो कितनी बार समीक्षा करेंगे? ये बिहार में जब हमने समर्थन वापस लिया था 1990 की बात कर रहा हूं, लालू यादव जी के 120 विधायक थे, उनको 5 साल सरकार किसने चलाई? कांग्रेस ने, जबकि उससे पहले कांग्रेस से ही मुकाबला था, हम तो कहीं थे नहीं, आप 89 में आपको हरा के लालू यादव आए थे, और 1990 में मुलायम सिंह जी की सरकार को भी कार सेवकों पर गोली चलाने के बाद 96 एमएलए थे कांग्रेस के, भाजपा के 56 थे, इन्होंने समर्थन देके चलाया, क्योंकि सुविधा भोगी राजनीति हो गई थी, क्षेत्रीय दलों का समर्थन करो, उनसे थोड़ा सहयोग लेके जालो, कौन जाके संघर्ष करेगा जमीन के ऊपर उत्तर प्रदेश और बिहार में। इसलिए यह बात 2013-14 के शीला दीक्षित की नहीं है, ये बात आज 2020 के बिहार के गठबंधन की नहीं है। आप याद करिए, 30 साल से कांग्रेस के अंदर यह समस्या आ रही है कि वो उत्तर प्रदेश बिहार जैसे राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत दुर्धर्ष राज्यों में जैसी सुविधा भोगी राजनीति कर रही है, उस कारण से समस्या है। तो ये आपको आंतरिक रूप से देखना चाहिए, आपकी तो 1.5 पीढ़ी गुजर गई इसी में। ठीक है, सुधांशु जी, मायावती जी को समर्थन देके चीफ मिनिस्टर बनाया आपने, उसकी गलती के लिए माफी मांगेंगे? महबूबा मुफ्ती को पीडीपी को आपने समर्थन देके चीफ मिनिस्टर बनाया, उसके लिए माफी मांगेंगे? तो सवाल इस बात का है, राजनीतिक पार्टी जब कोई फैसला करती है तो उसमें गलत फैसले भी होते हैं, मैं तो बड़े साफ दिल से कह रहा हूं, लेकिन आप कह के दिखाइए। आपने कहा कि चिट्ठी लिखना, अरे भाई चिट्ठी लिखने की हिमाकत तो हिम्मत तो कीजिए आप। क्या नरेंद्र मोदी जी से कोई सवाल आपने किया कि आपने जितने फैसले किए? हमारे यहाँ इनर डेमोक्रेसी है, मैं फिर कह रहा हूं अमीश देवगन, बीजेपी के अंदर पूरी तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है, हमारे यहाँ नेतृत्व पे सवाल उठा करके कांग्रेस पार्टी में रहा जा सकता है, लेकिन आप क्या नहीं बताइए? महबूबा मुफ्ती से समझौता करना, महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री बनाना देश के साथ था, बड़े सारे प्रेम था, बड़े सारे नेताओं को कांग्रेस के और जो कांग्रेस विचारक है उनकी भी बातों को तर्कों को सुनता हुआ आ रहा हूं। आप निर्णय कर लीजिए, आप सिर्फ मुद्दे उठाएंगे, आप इनर डेमोक्रेसी रखेंगे, आपको चुनाव नहीं जीतना, यू आर अ पॉलिटिकल पार्टी। आई थिंक अ पॉलिटिकल एक राजनीतिक दल के लिए महत्वपूर्ण है वो चुनाव जीते, लेकिन क्या एक पॉलिटिकल पार्टी मुद्दे उठाएगी, एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जीवंत पार्टी बन जाएगी सिर्फ, क्या उसके लिए वो पॉलिटिकल पार्टी चल रही है? देखिए, जिस समस्या क्या को आप मना कर रहे हैं उसको कार्ति चिदम्बरम ने भी माना कि हाँ समस्या है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब भाजपा से नहीं छीने, आचार्य जी मुझे नहीं छीना, आचार्य जी मेरा निवेदन को स्वीकार करिए, संगीत रागी भी काफी देर से इंतजार, आचार्य जी प्लीज सर, मैंने आपको भी बहुत मौका दिया और सुप्रिया जी को भी बहुत मौका दिया, लेकिन मुझे संगीत रागी को 20 सेकंड दे दीजिए। संगीत रागी बोलिए, आप काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं पिछले 25 मिनट से, बोलिए आप सर।
देखिए नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के लिए तारनहार के रूप में आए, भगवान के रूप में आए, क्योंकि उन्होंने सत्ता में अकेले भारतीय जनता पार्टी को ला करके खड़ा कर दिया। लेकिन राहुल गांधी का यदि स्ट्राइक रेट देखें तो राहुल गांधी जी भस्मासुर साबित हुए हैं अपनी पार्टी के लिए, इसलिए उनको भगवान तो मानना बिल्कुल ही गलत होगा, ये चापलूसी है। दूसरी बात, अभी उन्होंने प्रमोद कृष्णन जिन्हें कहा कि वर्किंग कमेटी को, कांग्रेस वर्किंग कमेटी को चुनना चाहिए था, अरे ये भाई साहब व्यक्ति और विचार संबंधी पार्टी में यही अंतर होता है, जो व्यक्ति आधारित और फैमिली आधारित पार्टी होती है उसमें जो लोग होते हैं वे सारे नॉमिनेटेड होते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर सारे लोग सोनिया गांधी के नॉमिनेटेड है, राहुल गांधी के नॉमिनेटेड है, वो क्या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पड़ेगा। लेकिन सुप्रिया आपकी बात का जवाब देना चाह रही है, वो हाथ भी खड़ा कर रही है। सुप्रिया मैं ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा, आप देखते रहिए आर पार। आप देख रहे हैं आर पार, सुप्रिया श्रीनेत अपना हाथ खड़ा कर रही थी, वो कुछ बात जवाब देना चाह रही थी। सुप्रिया क्विकली 40 सेकंड रिप्लाई। श्योर अमीश जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हर हार या हर जीत सबक सिखाती है और हम भी सबक सीखते हैं, लेकिन इनर पार्टी की डेमोक्रेसी जब भाजपा बातें करती है तो थोड़ी हंसी आती है। आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा, जयंत सिन्हा को मंत्री पद से हटा देना, रूडी जी को मंत्री नहीं बनाना, शाहनवाज हुसैन जी को राज्यसभा नहीं भेजना, ये कौन सी इनर पार्टी डेमोक्रेसी की बात है? कुछ को आपने मार्गदर्शक मंडल बन के बैठा दिया, कुछ को आपने दरकिनार कर दिया, क्यों? ये सब जानते हैं और मुझसे बेहतर ये रागी जी और सुधांशु त्रिवेदी जी जानते हैं। यह है इनर पार्टी डेमोक्रेसी भाजपा की। सुधांशु, हमारी इनर पार्टी डेमोक्रेसी यह है कि आज जेपी नड्डा जी पार्टी के अध्यक्ष हैं। 2010 में आपने नड्डा जी के बारे में कभी सोचा था? तब नितिन गडकरी जी अध्यक्ष थे। सन 2000 में जेना कृष्णमूर्ति जी थे, नितिन गडकरी जी के बारे में किसी को पता था? 1990 में आडवाणी जी अध्यक्ष थे, तो उसके बाद जेना कृष्णमूर्ति जी बने। अब मैं पूछूं आपसे 2030 में भाजपा अध्यक्ष कौन होगा? कोई नहीं बता सकता, पर कांग्रेस में और तमाम क्षेत्रीय दलों में निश्चयात्मक दृष्टि से बताया जा सकता है कि पार्टी की बागडोर एक ही परिवार के ही किसी न किसी व्यक्ति के हाथ में होगी। ये अंतर है जिसको आप इनर पार्टी डेमोक्रेसी कहती हैं। आप देखिए, जिन लोगों का मैंने नाम लिया उनको दरकिनार क्यों कर दिया गया? त्रिवेदी जी, किसने दरकिनार किया? पूरे सम्मान के साथ उनके आशीर्वाद, प्रधानमंत्री ने जाके भी लिया था और उनको 83 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया। उसके बाद जब वो 88 वर्ष के हो गए, उन्होंने प्रधानमंत्री ने जाके बाकायदा आशीर्वाद लिया था उनका। बताइए, वो भारत विश्व के इतिहास में सबसे अधिक आयु के प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट थे। दरकिनार करना नहीं कहते हैं तो फिर दरकिनारी क्या? आप बताइए ना, 83 वर्ष की आयु में वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे। आप बताइए दुनिया में कोई कैंडिडेट रहा हो? आपसे पूछता हूँ, बताइए, आप तो पत्रकार भी रहे। यशवंत सिन्हा ब्रेनडेड हो गए, एक मिनट, यशवंत सिन्हा जी ब्रेनडेड हो गए, अरुण शौरी ब्रेनडेड हो गए, रूडी जी ब्रेनडेड हो गए, जयंत सिन्हा ब्रेनडेड हो गए, सब लोग ब्रेनडेड हो गए आपकी पार्टी में? ये इनर पार्टी डेमोक्रेसी की बात है, छोड़िए उसको। कि राजनीति में नए वर्ग को आने के लिए 75 वर्ष की आयु के बाद आएंगे, ये हमारे नैसर्गिक युवा नेतृत्व आता है। ठीक है, विरासत में पैदा होके ओके 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 ओके। आचार्य प्रमोद कृष्ण भी कुछ कहना चाहते हैं। स्मिता प्रकाश, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी डिनायल मोड में है या एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती कि देयर इज अ प्रॉब्लम? क्योंकि अशोक गहलोत तो समझ रहे हैं समस्या क्या है, और आई थिंक कपिल सिब्बल ने जो आज आर्टिकल लिखा वो भी समस्या को समझ रहे हैं, गठबंधन के जो इनके पार्टनर हैं वो भी समस्या को समझ रहे हैं। कमियां तो बहुत है, बट दे जस्ट हैव टू गेट टूगेदर एंड रियलाइज कि ठीक है, ये कमियां हैं और इसे सुलझाने के लिए हम लेट्स टेक एवरीबडीज ओपिनियन। ये करने के लिए कोई एक किस्म की लेथार्जी है, दे आर नॉट मूविंग। देखिए, सब देख सकते हैं कि 70 सीटें लड़ने के लिए उतर गए थे, लेकिन 70 सभाएं नहीं की इन्होंने। मतलब बहाने कई हैं कि क्यों हारे, लेकिन कोई कहने को तैयार नहीं है कि क्या क्यों हुआ। देखिए, नीतीश कुमार संकट में क्यों पड़े? क्योंकि जब लॉकडाउन के वक्त जब जनता कष्ट में थी तो वो कहीं दिखाई नहीं दिए, और एक वैक्यूम था जिसे तेजस्वी ने पूरा किया। ये कहना कि राहुल गांधी जो है वो लॉकडाउन के वक्त उन्होंने कई मुद्दे उठाए, हाँ शायद उठाए होंगे, एंड ही प्रोबेबली ब्रॉट इट अप, ट्विटर पर उठाए उन्होंने, लेकिन जब बिहार के इलेक्शंस अनाउंस हुए तो जनाबे आला कहाँ थे? मिसिंग थे। तो ये सब
ये सब दिक्कतें हैं। दूसरी बात, एक छोटा सा मैं कहूंगी, जो आपने ये उठाया था कि कौन भगवान कौन है, या मोदी जी भगवान है या राहुल जी भगवान है, ये दिक्कत हमारे पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत है कि हम सबको झट से भगवान बना देते हैं और झट से उन्हें उतार देते हैं उस पेडेस्टल से। प्लीज, सारे के सारे इंसान है, सब में खामियां हैं, सब में दिक्कतें हैं इलेक्शन जीतने के लिए, हारने के लिए, तो वी शुड ट्रीट देम एज ह्यूमन बीइंग्स। वेरी ट्रू। देखिए, जब दिल्ली हारते हैं तो फिर नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़ा होता है, जब आप जीतते हैं तो आप भगवान बना देते हैं। ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि राजनीति के अंदर जनता भगवान बनाती है, जनता ही आगे सब कुछ निर्धारित करती है। आचार्य प्रमोद किष्टम बोलिए। देखिए अमित जी, कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं जो गठबंधन की राजनीति को बढ़ावा देते हैं और रीजनल पार्टी से गठबंधन करा करा के कांग्रेस का रोज नुकसान हो रहा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, अगर बिहार के अंदर हम 200 सीट लड़ते तो 50 से ज्यादा सीट कांग्रेस जीतती। कांग्रेस ने जब जब रीजनल पार्टी से गठबंधन किया, जिस जिस राज्य में किया, कांग्रेस खत्म होती जाती है। और हम अब ये कोशिश करेंगे कि किसी भी राज्य में हम किसी रीजनल पार्टी के साथ गठबंधन आगे ना करें, चुनाव अपने दम पे लड़ें, डंके की चोट पे लड़ेंगे। जीत हार जनता करेगी, जनता अगर समर्थन देगी तो सत्ता तक जाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर जो इस तरह का कॉकस बन गया है, हम लोग उस पर अंदरूनी तौर से बातचीत कर रहे हैं और करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। देखिए, अलग अलग स्वर हैं, अलग अलग बातें हैं, लेकिन समस्या जब विकरार रूप ले लेती है तो फिर उस समस्या का निदान बहुत कठिन हो जाता है। शायद कांग्रेस की परिस्थिति और स्थिति फिलहाल ऐसी है।